खरगोन जिले के महेश्वर में रविवार सोमवार मध्य रात्रि को बड़वा धामनोद मुख्य मार्ग पर कतरगांव में मंडलेश्वर की ओर से आ रहे पिकअप वाहन से अवैध शराब जब्त की है। टीआई परमानंद गोयल ने बताया कि बड़वा धामनोद मार्ग पर कतरगांव में रात्रि गश्त के दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर मिली जानकारी के अनुसार मंडलेश्वर की ओर से एक पिकअप वाहन में अवैध शराब भरी हुई है। तत्काल पुलिस ने कतरगांव में नाकाबंदी कर वाहन को रोककर तलाशी लेने पर वाहन में रखी 50 पेटी मदिरा प्लेन, 40 पेटी बियर, 10 बॉम्बे विस्की, 3 पेटी आरएस, 5 पेटी मदिरा मसाला जब्त की, जिसकी कीमत 4,16,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर थाने पर लाई है। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी कालू तंवर रोहित सावले को गिरफ्तार किया है। करही से दिलीप यादव की रिपोर्ट। आज बीती रात चेकिंग के दौरान पिपलिया बुजुर्ग में सूचना प्राप्त हुई कि मंडलेश्वर से अवैध शराब भरकर पिकअप वाहन में बढ़वा ले जाने वाले हैं। इस पर सूचना पर साइबर सेल के अधिकारी थाना करे के कर्मचारियों को बुलाया गया और कतरगांव करे फाटे पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान चेकिंग के दौरान उधर से पिकअप वाहन बड़वा तरफ जाने के लिए आया, जिसे रोका गया, जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे और उसको वाहन को चेक करने पर पीछे उसमें शराब से भरी बक्से कुल 108 पाए गए। फिर इस संबंध में इसे हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।